पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की। यात्रा करनी पड़ी। अगर मैं अपने आप से पूछता 2004 में, 2010 में, 2014 में कि मुझे 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चलना पड़ेगा, मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था। ये यात्रा शांत हो जाए, ये यात्रा हमें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि देश का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो आज देश के हाथ में नहीं है। जनता के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, हिंसा, नफरत, महंगाई, किसानों के मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, जवानों के मुद्दे, वो मुद्दे आपको मीडिया में नहीं दिखाई देंगे। तो हमने ये यात्रा करनी पड़ी क्योंकि और कोई चारा नहीं था। देश के ध्यान को पकड़ने के लिए विपक्ष को 4000 किलोमीटर, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं चला, यह गलतफहमी में मत रहिए कि ये राहुल गांधी चला है, सब पार्टियों के, सब विपक्ष के पार्टियों के लोग चले, सब नेता आए, हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष इन यात्राओं में शामिल हुआ। शरद पवार जी आए, उद्धव जी आए, तेजस्वी आए। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की। यात्रा करनी पड़ी। अगर मैं अपने आप से पूछता 2004 में, 2010 में, 2014 में कि मुझे 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चलना पड़ेगा, मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था। ये यात्रा शांत हो जाए, ये यात्रा हमें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि देश का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो आज देश के हाथ में नहीं है। जनता के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, हिंसा, नफरत, महंगाई, किसानों के मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, जवानों के मुद्दे, वो मुद्दे आपको मीडिया में नहीं दिखाई देंगे।
तो हमने ये यात्रा करनी पड़ी क्योंकि और कोई चारा नहीं था। देश के ध्यान को पकड़ने के लिए विपक्ष को 4000 किलोमीटर, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं चला, यह गलतफहमी में मत रहिए कि ये राहुल गांधी चला है, सब पार्टियों के, सब विपक्ष के पार्टियों के लोग चले, सब नेता आए, हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष इन यात्राओं में शामिल हुआ। शरद पवार जी आए, उद्धव जी आए, तेजस्वी आए। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की। यात्रा करनी पड़ी। अगर मैं अपने आप से पूछता 2004 में, 2010 में, 2014 में कि मुझे 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चलना पड़ेगा, मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था। ये यात्रा शांत हो जाए, ये यात्रा हमें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि देश का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो आज देश के हाथ में नहीं है। जनता के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, हिंसा, नफरत, महंगाई, किसानों के मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, जवानों के मुद्दे, वो मुद्दे आपको मीडिया में नहीं दिखाई देंगे। तो हमने ये यात्रा करनी पड़ी क्योंकि और कोई चारा नहीं था। देश के ध्यान को पकड़ने के लिए विपक्ष को 4000 किलोमीटर, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं चला, यह गलतफहमी में मत रहिए कि ये राहुल गांधी चला है, सब पार्टियों के, सब विपक्ष के पार्टियों के लोग चले, सब नेता आए, हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष इन यात्राओं में शामिल हुआ। शरद पवार जी आए, उद्धव जी आए, तेजस्वी आए। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की।